छोड़ना पड़ रहा है मुझे, मेरी पूरी बनी है मेरी। क्या कैसी बता रही, थोड़े थोड़े तो आई जाएंगे। ये देखो कितनी बड़ी चतरी के नीचे खड़े हुए, देखता क्या ऊपर से देखते तुम लोग। गाइज वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो गाइज आज का सीन कुछ ऐसा है, अभी हमें जाना है कॉलेज, खाना वाना आ चुका है, खाना वाना खाना है और 12:30 का जो है टाइम हो चुका है, अभी 12 बजे मैं सो के उठा हूँ। एंड अब मुझको कॉलेज जाना है, क्यों मुझे कॉलेज क्यों जाना है सबसे पहला सवाल तो यही होगा। अब हमारे कॉलेज जो है बंद हो चुके हैं, जो हम सेकेंड ईयर वाले हैं उनके कॉलेज बंद हो चुके हैं और ऑनलाइन हमारी क्लासेज हो रही हैं। ये नहीं पता क्यों, वेव की वजह से हो रही है कि कुछ और कारण है उसकी वजह से हो रही है, ये हमें नहीं पता। सो कॉलेज आते हैं और कुछ क्वेरीज हैं, पेपर आने वाले हैं, 10 तारीख से मेरे पेपर हैं, तो इसलिए गाइस अब मैं इस यूट्यूब छोड़ रहा हूँ कुछ दिन के लिए, परमानेंटली नहीं छोड़ रहा हूँ, कुछ दिन के लिए जो है यूट्यूब में छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इसके साथ साथ अपनी पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है और इस पर फिलहाल वीडियो का कुछ कंटेंट है भी नहीं क्योंकि पेपर आ रहे हैं, घर में ही रहूँगा तो आप लोग भी बोर होंगे और मैं भी बोर होऊंगा। सो इसीलिए फिलहाल मैं कुछ दिन के लिए यूट्यूब छोड़ रहा हूँ एंड कॉलेज चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं, वहाँ मुझे काम है अपने सर से, वहाँ उनसे क्वेश्चन वोशन पूछने हैं, नोट्स वोट्स लाने हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। अब सीधा है तो कॉलेज में। और मौसम भाई, आज का मौसम बाहर एक नंबर हुआ पड़ा है, अगर मसूरी में बर्फ़ पड़ी तो पेपर से पहले तो मैं बर्फ़ जरूर दिखाएंगे, ठीक है। बारिश की वजह से आज अपनी बाइक भी पूरी धुल चुकी है, लल्ली साहब और माँ जो है यहाँ पर आग जला रहे हैं, तोलिया दे दो मुझे। और ये देखो इसने अपनी साइकिल कहाँ फेंकी हुई है, हर बार इसे मना करता हूँ, मैंने अपनी साइकिल मेरी गाड़ी के ऊपर मत फेंका कहीं पर। हल्की हल्की बारिश अब भी आ रही है और अब देखते हैं निकलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जाना तो वही आज बहुत इंपॉर्टेंट है जाना मेरा। सो मिलते हैं आपको सीधा कॉलेज में। पहुँच चुके हैं लाइब्रेरी, ये जादू पहले से बैठा आया, आए कर दे जादू पहले से बैठा है। अभी हमें सर से काम है, बैठे देखो सामने, एक क्लास ऑनलाइन चल रही हमारी, अच्छा आया पढ़ने देखो आई कर भाई बोल भाई, वैसे नहीं पढ़ते हम अब पेपर से एक दिन पहले आ गया मास्टर का दिमाग खाने। अब देखो पूरी लाइब्रेरी में अकेले बैठे हुए, दिखाते हैं तुम्हें को, ये देखो पूरी लाइब्रेरी सुनसान, वहाँ बैठे थे हमारे सर, वो भी चले गए बेचारे टिफिन का बहाना लेके हमें देख, इधर भी पूरी खाली, इधर भी पूरी खाली, इधर बैठे हुए पीछे दो टीचर। ये देखो कॉलेज में क्राउड, बच्चों की क्लासेस छूट रही और बारिश तगड़ी पड़ रही है भाई, यहाँ से देखो ऊपर दिख रही होगी तुम्हें शायद, मुझे तो दिख रही है हल्की हल्की, और उधर भी खतरनाक मौसम हुआ पड़ा है, पूरा भीगा पड़ा है फ्लोर वगैरह ना, ये देखो तुम भयंकर ही एनवायरनमेंट हो रहा है इधर का भाई, क्या मज़ा आ रहा है देखने में, ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर देखो पूरा इलाका। सो जी दूसरी क्लास में जा रहे हैं, यहाँ लाइब्रेरी का काम तो अपना फाइनल हो चुका है, अब चलते हैं ऑनलाइन क्लास, पढ़ाई करेंगे जाके, पढ़ रहे हैं ये कह रही किसी को ना पता कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये देखो ये देखो कहिए क्या बोल रही है, ये देखो कह रही किसी को ना पता कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, कोई बात है कह रही नज़र लग जाएगी, काला टिक्का लगा ले पढ़ाई पे जरूरी है, लेकिन इसमें बेस्टिक हुई है, इसमें तारीफ हुई आपकी, और मौसम तो ऐसा हो रहा बिल्कुल ऐसा, और गाइस इतना दुख दर्द है कि मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूँ, बहुत छोड़ना पड़ रहा है मुझे, मजबूरी बन गई मेरी क्योंकि मेरे पेपर आ गए, ऐसी वैसी कोई बात नहीं, मेरे पेपर आ गए, क्या मैं सही डिसीजन ले रहा था जी, क्या ये मेरा सही डिसीजन है, गाइस ये मेरा सही डिसीजन है, मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूँ, हम तो चलाते नहीं यूट्यूब, गाइस हमारा काम है ब्लॉग देखना, साथ रह रहे पॉइंट मारना, कमेंट करके सब्सक्राइब करो, बार बार तो नहीं करती सब्सक्राइब, कभी बार बार सब्सक्राइब करती है और उसके बाद अनसब्सक्राइब, ना ना भाई ना, इसलिए तो मेरे पापा बड़ा काम करते हैं, मेरे पापा क्या कर रहे थे बार बार सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब सब्सक्राइब बंद करे, देखते रहे रोज बढ़ा रहा हूँ मैं, मेरे पापा कहते देखते रहे रोज बढ़ा रहा है, मैंने कहा एक ही आपका ही काम होगा रोज, और फिर वही बढ़ता रहा वही, अरे वही काम मुझे लग रहा है कर रहे, अब चलते हैं पढ़ाई करते हैं सामने जाके, अब आपको मिलेंगे थोड़ी देर के बाद, चलते हैं पढ़ाई वढ़ाई हमारी होगी, क्लास हमने ले लिए, ठंडा दिखा रहे अभी, दिखा रहे अभी, दिखाते रुको ठंडा करो भाई, तुम ठिठरी छुट गई, छिटरी छुट गई भाई, क्या मौसम हो रहा है आज, लेकिन हम बाहर जाएंगे, हमें बाहर जाने से कोई नहीं रोक सकता, हमारी मजबूरी है बाहर जाना, ये कह रही चाय पिला दो, चाय के पैसे, ये वो तो वाली बात होगी, जहर के लिए पैसे, तेरा भाई है ना, तेरा भाई देगा, बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड जहर का, जहर के लिए दे दूंगी, इस छतरी में तीनों आ जाएंगे हम, छतरी देखो कितनी बड़ी, ये देखो भूल जा भूल जा, इतनी बड़ी छतरी, इतनी बड़ी छतरी, हम ठहरे पड़ा गाइस एक छतरी के नीचे, मैं छतरी के नीचे आ जाओ गाइस, अब एक छतरी में तीन और छतरी देखो तुम
बहुत छोटी है, इतनी छोटी छतरी फ्रेम में भी नहीं आ रही। अरे ताने कैसी बता रही, थोड़े थोड़े तो आ ही जाएंगे। मेरी गाड़ी दूसरे गेट पे खड़ी, तो पूरी कवर होगा। अभी कौन सा जा रहे हम? अच्छा अभी तो हम बाहर टहलने जा रहे हैं। अभी टहलने जा रहे हैं गाइस, हम कुछ खाने पीने गए थे और चिकन खा के आगे। कुछ मिला ही नहीं, कुछ मिला नहीं हमें कुछ खाने का। अंदर जाएंगे और गर्मा गर्म पियेंगे क्या? ओह गलती कर दी यार, चिकन खा ली पहले, चिकन मतलब खा ली, 3 रुपए वेस्ट। अभी से थूकनी पड़ेगी और फिर चाय पीनी पड़ेगी, ये तो गड़बड़ होगी यार। चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे एडजस्ट। कॉलेज देखो अपना कितना प्यारा लग रहा है यार आज बारिश के मौसम में, वाओ। गरम गरम चाय अपनी पहुंच चुकी है और तुम्हें दिखाते हैं हम किसके नीचे खड़े हुए। बड़ी छतरी मिली है यार, ये देखो कितनी बड़ी छतरी के नीचे खड़े हुए हम। एक तालिया ऊपर से देखो तुम लोग, ऊपर से देख का है ना अभी के भी ठीक है, अभी अभी देख के भाई मेरी गलती, मैंने दिखा दिया तुम्हें, ऊपर से भी दिखा दिया नीचे से भी दिखा दिया, और थोड़ा फील है कितने भी दिखाएंगे। थोड़ा चढ़ाना बनता है यार बारिश के मौसम में, चाय नहीं पी, पकौड़ी नहीं है, बस पकौड़ी नहीं है। कोई बात नहीं, वो चिकन खा रहे हैं उसे कर लेंगे सैंड बैस कोई ठीक थूक दी, देखो क्या बोल रहे उसी के ऊपर चाय पी ली। बड़े आदमी पीछे को ऐसी बात नहीं है, महंगी चीज भी है हमारे पे, ओरियो लड़का फड़का बिस्किट नहीं है ओरियो। यहाँ पे जो है ना बस एक कमी है, देख कैसे तुक्की हो गई, एक चीज दिखाने भूल गया है, देखो तालाब में खड़े हुए आ रहा हूँ, देखो कितना पानी। पहले मैंने तैर के आया, सबकी चाय लेके यहाँ टेबल पे रखी, तभी ने बुलाया, मैंने भी तैर के लाया। छतरी लेकिन अच्छी मिल गई, अभी से यहाँ से उखाड़ लेंगे तो लेके चल लेंगे, घूम गए तीनों। हेलो गाइस बिस्किट खा लो, चाय पी लो यार। सुशी घर पहुंच चुके थे एंड अब जो है आग वाग जलाते हैं, इतना ठंडा हुआ कि तुम्हें मैं क्या बताऊँ, खतरनाक ही ठंड हो रही है। सो अब वो आएगी, चाय वाय पिलाएगी थोड़ी, तो मैं अभी बिल्कुल कॉलेज में पी गया हूँ, लेकिन बिना चाय के काम चलता ही नहीं है हमारा। सो अब आग जलाते हैं और सेकते हैं, क्योंकि इतना ठंडा जो। सो गाइस धुआँ जो है ना पूरा का पूरा आंखों में जा रहा है, देखो बड़ी मुश्किल से इतनी सी आग जलाई है, बड़ी मुश्किल से, पता नहीं कैसी लकड़ियाँ लेके आ रखी है नाना जी। मतलब पहले ये करती है धुआँ बहुत ज़्यादा, उसके बाद जलती है, ये भी इतनी मेहनत से जलाएगी तो मैं क्या बताऊँ, मैं बता नहीं सकता, छोड़ो तुम पूछो भी मत। और बस अब मेरे पेपर है, इसलिए जो है अब मैं थोड़ा यूट्यूब को कम टाइम दे पाऊँगा, अगर बीच में एक आधा कुछ कंटेंट मिला तो बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे, क्योंकि मम्मी जो है चप्पल वहीं से फेंक के मारेगी मुझे, घर से पट से और फोन से निकल के कमेंट में ऐसे लेगी मेरे, अगर मैंने ब्लॉग बना दिया तो। इसे पूरी तरीके से चलाते हैं, उसे दिखाते हैं आपको यार, गाँव में बस यही फ़ायदा था हमारा, चूल्हा लगा रहता है और उसके फ़ायदे जो है मिल जाते हैं। यहाँ पे चूल्हे नहीं है, कनस्तर जो है काट के उसमें बना रखा है कुछ इंतजाम मैंने, मतलब मैंने गया बुआ जी और उन्हें उसमें जलाते हैं, चूल्हे वुल्ले का कोई सीन नहीं है, और हमारे वहाँ सही है चूल्हा लगा रहता है अपना, बढ़िया लकड़ियाँ पड़ी रहती है बढ़िया से। सोची इतनी देर के बाद फाइनली आग जल चुकी है, देखो ये मेरे मुँह पे जो रोशनी आ रही है आग की आ रही है, वैसे भी लाइट की यहाँ बहुत कमी थी, एक ही बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे। सो अब सही है, आग की भी रोशनी आ रही है, तुमसे थोड़ा बतिया भी लेंगे, टाइम पास नहीं हो रहा था इतने दिनों से, मैं व्लॉग मतलब 3-4 दिन हो गए, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया मैं व्लॉग नहीं बना रहा था, तो भाई अंदर से ऐसा लग रहा था कि मैं व्लॉग क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो अब मैं सोच रहा हूँ ये 20-25 दिन जो मेरे रहेंगे, देखो अब व्लॉग की आदत हो गई है, अब जैसे आदत बोलते हैं आदत हो चुकी है। सो अब जो ये 20-25 दिन मेरे रहेंगे पेपर के, अब मैं सोच रहा हूँ कैसे निकलेगा टाइम मेरा बिना व्लॉग्स के, तो कहीं अगर बीच में ऐसा हुआ ना खुरक हुई दिमाग में तो मैं बना भी सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि अभी कुछ दिन के लिए थोड़ा शांत रहते हैं, नहीं बनाते हैं, पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं अपनी। और अब आग जला दिए, बुआ को ऑर्डर दे चुके हैं मैक्रोनी का, बुआ कब तक आ जाएगी? एक घंटे बाद, तो ऑर्डर मिल चुका है इसे, तो फिलहाल तो दूध लेने गई है वो, और उसके बाद आके बनाएगी हमारे लिए मैक्रोनी वगैरह, चाय उसने दे दिए एंड चिप्स ही आई थी। सो जी चाय से तो अपना प्यार है, देखो अभी कॉलेज में भी पी थी, दोबारा पी रहे हैं, और मेरे मामा हमारे लिए मेहनत कर रहे बेचारे, आग का बंदोबस्त लकड़ी वकड़ी और ढूंढ रहे हैं हमारे लिए, छोटी छोटी कर रहे हैं लकड़ियाँ। सो चाय पी लेते हैं और आप भी पी लो, आज मौसम बहुत ठंडा है, बिना चाय के काम नहीं चलेगा भाई आज, और हम तो वैसे भी चाय के बने हुए हैं मामा, हम तो वैसे भी चाय के बने हुए हैं आज थोड़ा, हाँ हम तो वैसे चाय के बने हुए हैं, और आज मौसम इतना कैड़ा है तो पीनी पड़ेगी, और पढ़ाई करनी थी अभी, और मेरी मम्मी ब्लॉग देगी पक्का, फ़ोन करेगी कि पढ़ ले, लेकिन मौसम ही नहीं आज पढ़ने लायक, आज आग सेकने का मौसम है, खाने पीने का मौसम है, तो चलता है। तो पी रहे हैं,
चाय की चुस्की। सो जी अपनी मैक्रोनी जो है उबल कर रेडी हो चुकी है यार। मेरी बुआ की तारीफ भी बिचारी को एक बार को झट तैयार है सामान। ये सही है। थोड़ी देर के बाद हमारे सामने मेरा मेरा मुड़ा लेके बैठ गई है। मतलब मैं अंदर गया नहीं, मोड़ा बहन पहले लेके बैठ गई मेरा। अब वो भयंकर अभी मेरी एयरफोन जो है ना आग में चले गए थे। सो अब थोड़ी देर के बाद मैकरोनी जो है पहुंच जाएगी अपने पास और अपने पेट में चली जाएगी और हम खा लेंगे एंजॉय। बारिश एंजॉय नहीं करना तुमने तो कुछ नहीं करा, बस मैं तो दुआ कर रहा हूँ बर्फ़ और पड़ जाए, उसके बाद सीधा तुम्हें लेके चलेंगे कहाँ, मसूरी। ठीक है। सो जी अब फ्लैश लगाया है मैंने एंड ब्लॉग को एंड करने की बारी आ चुकी है। दिन अपना ख़त्म हो चुका है। अब आग भी अंगारे भी बहुत कैड़े हो चुके हैं और मैक्रोनी का ऑर्डर जो लगा था वो भी तैयार होने वाली है। अब हम लोग खाएंगे और क्या फ़ायदा आप लोग छिड़ोगे यार, क्या फ़ायदा आप लोगों को छिड़ागे। सो होप करते हैं आप लोग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले बिल्कुल भी यार। अपने पे भी व्यूज़ वगैरह लाओ यार, ऐसे ऐसे ब्लॉग्स में व्यू आ रहे हैं कि बस क्या बताएं तुम्हें, कह भी नहीं सकते। एंड बस अभी एक खबर ऑनलाइन की आई कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं, काश हो जाए तो मज़ा आ जाएगा आपको, फिर हर जगह घुमा के लाएंगे। अगर ऑनलाइन हो गए तो जो भी गैप रहेगा उसमें आपको घुमा कर ही लाएंगे फिर हम। एंड मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।